ये थाना कारगोदाम क्षेत्र अंतर्गत कल शाम को सूचना आई करीब 6:30-7 बजे के आसपास कि एक व्यक्ति को उसके भाई और उसके जो फादर हैं उसके साथ मारपीट कर रहे हैं चाकू के साथ में, जिसपे कि थाने की फोर्स वहाँ रवाना हुई थी। जब मौके पे पहुँचे हैं तो देखा है कि जो उसका हस्बैंड है, मृतका का जो हस्बैंड है, वो काफ़ी घायल था। उसको तत्काल जो है हॉस्पिटल के लिए रश किया और जो लेडी है वहाँ पे कायनात नाम से, उसकी वहाँ पे मौके पे ही डेथ हो गई। उसको चाकू लगा हुआ था और काफ़ी ज़्यादा खून का बहाव हुआ था वहाँ से। उसमें तत्काल 302-307 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करते हुए उसके बाद में फिर हमने टीमें इसमें रवाना करी अभियुक्तों के लिए। और इसमें जो अभियुक्त हैं वो जो डिसीज्ड जो लेडी है उसकी उसका भाई और उसके फादर हैं इसमें, और उन दोनों को हमने गिरफ्तार किया है। और साथ ही साथ इसमें जो आला कतल इस्तेमाल हुआ है, जिस चाकू का इस्तेमाल किया गया है मर्डर में, वो भी बरामद किया गया है। कारण ये जो लेडी है जो डिसीज्ड है इसमें, उसने अभी कुछ ही समय पहले अपनी मर्जी से शादी करी थी, जो सलमान नाम के लड़के से शादी करी थी, जिससे कि इसके ये जो ब्रदर है और जो स्टेप फादर हैं इसके, वो इसकी शादी से खुश नहीं थे। और चूंकि मायका और ससुराल बिल्कुल आमने सामने था तो वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर रहे थे, ऐसा इन्होंने बताया। स्थिति बनी हुई है अभी हम लोगों ने फोर्स लगा रखी और हम स्थिति पे वॉच रखे हुए हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से, चाहे वो सोशल मीडिया ही क्यों ना हो, कानून व्यवस्था की स्थिति को प्रभावित नहीं करने पाएगा। लड़के की क्या स्थिति बनी हुई है, लड़का किस हालत में है? लड़के की स्थिति अभी सामान्य है और अभी वो हॉस्पिटल में है।